शेयर बाजारों में वीकली एक्सपायरी ने नया जोश भरने का काम किया है। शेयर बाजार आज बड़ा उछाल लेते हुए नए रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ है। निफ्टी पहली बार 22,990 के पार पहुंचा था। निफ्टी 369 अंक चढ़कर 22,967 पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 1196 अंक की तेजी के साथ 75,418 पर बंद हुआ है। शेयर बाजार को लेकर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। सिंघवी जी, आज शेयर मार्केट में जिस तरह से उछाल देखने को मिला और निवेशक मालामाल हुए, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आज फिर से पांचवें चरण के जो वोटिंग परसेंटेज के आंकड़े आए वो पिछले चरण के मुकाबले में यानी कि 2019 में उसके मुकाबले में बेहतर हो गया है। तो रिवाइज आंकड़े 2:50 पर इलेक्शन कमीशन की साइट पर आए थे और वो बाजार का जोश बढ़ाने वाले थे, लेकिन रिकॉर्ड हाई तो पहले ही बन गया दोपहर में। तो पहले हाई बनने के पीछे कारण ये था, आरबीआई ने दिया बड़ा भारी भरकम डिविडेंड। सरकार को 2,11,000 करोड़ का डिविडेंड दिया। अब इतना पैसा सरकार के पास अगर आरबीआई से आ रहा है तो सोचिए ये क्या दिखाता है। पहला, देश की इकोनॉमी बड़ी मजबूत है। दूसरा, $644 बिलियन के जो भारी भरकम फॉरेक्स रिजर्व आरबीआई के पास है, जिन पर आरबीआई कमाई कर रहा है, वो कमाई देश के काम आएगी। अब सरकार उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में या दूसरे तरीके से जहाँ भी वो निवेश करना चाहे अपनी स्कीम्स में वो खर्च कर सकती है। तो ये बड़ा फ़ायदा। और तीसरा बड़ा फ़ायदा है कि इसके चलते बॉन्ड यील्ड्स थोड़े से नीचे आने थे, आ भी गए थे कल, आज तो बॉन्ड मार्केट बंद थे। और बड़ी बात यह है कि ऐसे में सरकार का जो खर्चा है ब्याज का अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे और बॉन्ड्स पर, वो कम होगा। Zee News.